बच्चे बताइए, देवी माँ की पूजा जो है जैसे नवरात का सीजन चल रहा है तो क्यों आप लोग पूजा नहीं कर रहे? कोई प्रमाण नहीं मिला, हजारों वर्ष बीत गया, इनका तो 85 साल में मालूम हुआ कि बोलने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, खड़ा होने का अधिकार दिया, आरक्षण दिया, नहीं तो सब बड़े बड़े लोग प्रधान प्रधान ही रह जाए, मंत्री मंत्री। अब तो आरक्षण मिला कि कभी बैकवर्ड को ही सम्मान, कभी 80, तो इन्हीं के देन से तो हुआ, तो हम अपना आदमी क्यों छोड़े। जिस तरीके से एक तरफ माता जी के जयकारे, भाई माता जी के तो हम हाल ही नहीं जाने, नहीं जानते हैं, हम जानबे नहीं करी, देवी देवता हम वैसे नहीं रंड मुंड है। हम लोग अपने बच्चे को ये संदेश दे दें कि बाबा भीमराव अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे, हम लोगों के आजाद के हैं, तो उनके कहने के अनुसार हमारे बच्चे लोग स्कूल जाएं और पढ़े लिखे, शिक्षित बनाए, मंदिर में मत जाइए, मंदिर में जाएंगे भिखारी होंगे, स्कूल में जाएंगे हमारे बच्चे अधिकारी होंगे। आज जो आजादी मिली है भीमराव अंबेडकर को, जैसे आजादी मिली है, हम दूसरे के सेवा नहीं करेंगे, हमारा यही उपदेश है। भीमराव अंबेडकर साहब जिंदाबाद। अपना परिचय बता दी। नचकऊ चौधरी, मतलब चमार है, हम लोग शुद्ध चमार है, दूसरा कोई नहीं है। ना 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 ना, हम माँ को नहीं मानते, हम पिता को मानते, हमारे पिता है भीमराव अंबेडकर, हाँ उन्हीं को मानते हैं, हाँ उन्हीं को पूजा करेंगे। अन्नी देवी माँ के पर साल पूजा करे थे, रखे थे, लेकिन लई गए वहाँ नदी में बहाय दिया गया, अब फिर कह दिया गया, जैसे सब लोग कहते रहे भाई, कोई जानकारी ही नहीं थी, तो हम लोग भी कहा कि देवी माँ पर साल फिर आना, लेकिन जो मर गया सो मर गया, वो लौट के आया ही नहीं, पैसा भी डूब गया हमारा लोग का। बनवारी लाल, अच्छा बनवारी लाल चौधरी जी, ये बताइए कि आज भीमराव अम्बेडकर की आप लोग पूजा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? साहब हम ये करना चाहें कि जो हमारे मसीहा हैं हमारे समाज के, हाँ हम इन्हीं के से सब कुछ मिला है, नहीं कि ये पाऊ और जगह न कहीं गरना रहा न रहेगा। अच्छा बताइए, देवी माँ की पूजा जो है जैसे नवरात का सीजन चल रहा है तो क्यों आप लोग पूजा नहीं कर रहे? कोई प्रमाण नहीं मिला, हजारों वर्ष बीत गया, इनका तो 85 साल में मालूम हुआ कि बोलने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, खड़ा होने का अधिकार दिया, आरक्षण दिया, नहीं तो सब बड़े बड़े लोग प्रधान प्रधान ही रह जाए, मंत्री मंत्री। अब तो आरक्षण मिला कि कभी बैकवर्ड को ही सम्मान, कभी 80, तो इन्हीं के देन से तो हुआ, तो हम अपना आदमी क्यों छोड़े। अच्छा ये बताइए, जो जिस तरीके से आप लोग पूजा कर रहे हैं, हाँ। और एक तरफ जो है देवी माँ के जयकारे लग रहे हैं, हाँ। एक तरफ जो है भीम के जो है जयकारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? कहा हम कहेंगे, वो अपना जो करतबा तहा करतबा, हम जहाँ कर सही तहा कर सही। तो आप किसको मानते हैं? हम भी बलराम को मानते, देवी माँ को नहीं मानते हैं? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? अरे भाई कोई प्रमाण नहीं मिला है, क्या देंगे? जब हमारा ये तो ढोकर था कि बोर दे काल कह दे पुनिया रक्षा का क्या कमी हो गई। अच्छा दुर्गा माँ जो है जब वहाँ पे स्थापना करते हैं 9 दिन, फिर उनकी ताकत होती साहब, वही पर साल लग गए, यही क्या कहा थे यो नदी में पुरवा घाट, यहाँ से 40 हाथ के लग गया देवी जी के जो बहाव है, और वहाँ से बहा लड़का बूढ़ गया तो दूसरे लाश लाद के लग जाए, देवी में कौन शक्ति रही? कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। अरे माँ पानी पथराया, कागज में कौन शक्ति धरी बा? है तो आप नहीं मानते हैं? नहीं मानते जी। जिस तरीके से आज आपके गांव में जो है डॉक्टर भीमराव की अम्बेडकर की जो है पूजा की जा रही है, क्या कहेंगे आप? अरे हम ये कहा कि पूजा हो रहा, दिन पर दिन प्रतिभा उनकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, कम नहीं होगी। जिस तरीके से एक तरफ माता जी के जयकारे, भाई माता जी के तो हम हाल ही नहीं जाने, नहीं जानते हैं, हम जानबे नहीं करी, देवी देवता हम वैसे नहीं रंड मुंड है। देवी माँ को आप पूजा नहीं करते हैं? ना। आप पहले जाते होंगे देवी माँ के जो है? अरे पहले देवी माँ के दर्शन करे हम कतौ ना है, पहले विंध्याचल जाते रहे हैं जरूर, लेकिन 20 साल पहले यहाँ कहना है, वहाँ गए बर्बाद मार जाए, पहले पैसा छोड़ लेन, मंदिर में जाए ना ही पावा, धक्का अलग से पावा, तब ऐसे सब त्याग दे, तब नहीं मानते हैं ना। अब जो है भीम को जो है यहाँ पे बैठाए हैं, भीम पूजा कर रहे हैं। को तो बैठाए हैं, भीम को पूजा पहले से हो रही, लेकिन इतना प्रतिभा ही नहीं बैठावा कर रहा, लेकिन अब आए दिन आप लोग 4 अप्रैल में 14 अप्रैल के आप लोग फिर आए जाए, देखें तो इनकी मूर्त किस ढंग से बनी रही होगी, अच्छा होगा। एक बार नाम बता दीजिए और राम लखन जी। जिस तरीके से जो आज पूजा हो रही है आपके गांव क्षेत्र में, क्या कहेंगे आप?
हम हो रहा है तो हम तो सोच रहे हैं कि ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, यही होगा जी। अच्छा ये बताइए कि आए दिन जो है हर एक क्षेत्र में जो है देख रहे हैं कि आपके जो बिरादरी के लोग हैं आज जो है भीम को सबसे ज्यादा मानते हैं, और जगह देखिए तो माँ की जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तो जो कर रहे हैं वो अपना करें, हम अपना करेंगे, उनसे हमसे कोई मतलब। तो आने वाले समय में जिस तरीके से जो है देवी माँ को यहाँ आप विसर्जित यहाँ पे बैठाएंगे, देवी माँ को जो है यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। पहले था जो कर रहा था, नहीं जानकारी थी, नहीं जानते थे, तो जो हो रहा हो गया तो हो गया। अब जब से जानकारी हुई है तब से हम इन्हीं की मानेंगे, इन्हीं करेंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र चौधरी। क्या नाम है भाई साहब आपका? तरसू। अच्छा ये बताइए कि आज जो है भीम अम्बेडकर की जो है आप लोग पूजा कर रहे हैं, नवरात्र का समय चल रहा है तो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर की पूजा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हमारा विचार हुआ, हमको भावना हमारा हुआ कि हम इनकी सेवा करें। हाँ, इन्हीं भाई भदौलन हमको सब कुछ मिला है भाई, हमको हर कहीं नहीं जाना है, सिर्फ बाबा साहेब की चरण में हमको बस मुक्त हो जाना है, बस इन्हीं के सेवा में मैं सब दिन रहूंगा। अच्छा कब स्थापना की है बाबा भीमराव अम्बेडकर का? बाबा साहेब की स्थापना के दिन। स्थापना के दिन क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज पूरे देश में जो है पूरे क्षेत्र में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोग सब सुधरे, सब समाज सुधरे। हाँ, क्या आप जो है देवी माँ को नहीं मानते हैं? नहीं साहब, मैं नहीं मानता हूँ। तो देवी माँ की पूजा करते थे कि नहीं पहले? पहले करते थे, लेकिन जब जानकारी हुई हमको ओरिजिनलिटी, तो हम इनकी सब पूजा खत्म किए, सिर्फ हमारा इनका भावना आया कि इन्हीं को हम पूजा करेंगे, सिर्फ करते ही अपना जीवन खत्म हो जाएगा, इन्हीं पूजा करते करते लास्ट है जिंदगी। अच्छी बताइए कि जब ये आपने ये आपको कहाँ से पता चला कि हम भीमराव अम्बेडकर जी जो है स्थापना के दिन ही बस यही क्या थी, मैं हम लोग मोबाइल में वीडियो मतलब मंगा के देखे, मतलब बस वही देखते 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 दिमाग में भावना आया कि लोग पहले कैसे थे, कैसे हम लोगों को सताया गया था, कैसे हम लोग थे पहले, यही सब बातें सोच के साहब बस यही दिमाग में आया कि बस कुछ नहीं है, अब बस अपनाना है तो इन्हीं को अपना लो, नहीं अब कुछ नहीं है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं आज धूमधाम से, क्या हमेशा जो है निरंतर ऐसे ही करते रहेंगे? हमेशा ही होगा, हर साल ही होगा कि हर दिन होगा? नहीं, हर साल होगा ऐसा, अब उसकी पूजा हमेशा होगा, पूजा हमेशा होगी, पूजा हमेशा होगी। क्या गाँव में क्या किस प्रकार की चर्चा है? कोई दिक्कत नहीं है, गाँव हमारा सब सही है, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं। क्या नाम है आपका, एक बार नाम बताओ? तेरसू। कौन सा गाँव? दीवान का पूरा। बता दें कि नवरात्र में जो है माता रानी की जो है जयकारे लग रहे हैं, आज जो है दीवान का पूरा में आज जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति आप लोग रख के, क्या इसका उद्देश्य है और क्या कहना चाहेंगे? हमारा उद्देश्य है कि जो हम लोगों के आजादी मिली चलने फिरने खाने पहनने के लिए, वो भीमराव अंबेडकर के वजह से मिली, किसी देवी देवता को वजह से नहीं मिली। इसलिए देवी देवता पहले भी थे, जब हमारे पूर्वजों मारा गए सतावा गए, आज भी वही है, जो लोग देवी देवता के पूजत हैं कोई उनके ऊपर परिवर्तन नहीं भवा, तो इसलिए हम लोग उनको छोड़ दिए। जिस देवी देवता से अपन फायदा न हो उस देवी देवता को नहीं मानना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। जेके अच्छा लगे वो भीमराव अम्बेडकर के माने, जेके न अच्छा लगे आप देवी देवता पूजो, हम किसी के मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको अच्छा है कि भीमराव अम्बेडकर के पूजे से हम लोगों को फायदा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग खा पी रहे हैं, हम लोग कहीं जा भी रहे हैं, रात हो बिरात हो कोई रोक टोक की बात नहीं है, बस बीमारी इतना है हम लोगों की, मंदिर में जाते हैं तो वही बीमारी घेर लेती है हम लोगों को, हम लोग बीमार हो जाते हैं, इसलिए कि जऊन लई के जाए 10-20 रुपया 100 रुपया 50 रुपया के फूल माला लड्डू बताशा कुछ भी, लेकिन वो देवी माँ हमारी लेके खाई लेती कि मचक देती कि पंडा खाई लेती, ये हम नहीं जानते, इसलिए हम गेट के बाहर रहते हैं, बिल्कुल गेट के बाहर रहते हैं। पंडा लोग ये बोलते हैं कि आप दूर रहिए, बहुत भीड़ है, आप छुए मत इनको, आप लोग अछूत आदमी हो, इसलिए हमारा लोग फूल है लड्डू है ये लोग लेके चढ़ा लेती, हम लोग संतोष करके चला आए थे बजरंग बली, अब तू जाने, इसलिए जब तक इनके हम लोग भरोसे रहे कि हाँ, और जब हम लोगों को जानकारी मिली कि स्कूल जाए के लिए हमारे बच्चे पढ़ने के लिए ये बाबा साहेब की देन है, तो हम लोग बाबा साहेब के माने लागे, इसलिए हम लोग बाबा साहेब के नवरात्र में अपने से मूर्त मिट्टी के बनाए है,
किसी मोल नहीं लिया, इसलिए हमारे पास पैसा ही नहीं था। हम लोग आज भी गरीब हैं, लेकिन क्या करें, नहीं मिला न किसी से चंदा मांगा। और देवी माँ की मूर्ति बैठाते थे तो जेके अच्छा लागत रहा, भाई बड़ बड़ कौवा राजा लोग आते थे, सुपारी खाते थे, खटिया पे बैठते थे। और जब बाबा भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगा दिया तो सब लोग नाराज हो गए। तो जिसका नाराज हो गए भाई, वो अपन देवी देवता पूजे, हम अपन पूजे, बिल्कुल आना बंद कर दिए। तो क्या आने वाले समय में अपने बच्चों को क्या संदेश देंगे? हम लोग अपने बच्चे को ये संदेश दे देंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे, हम लोगों के आजाद के हैं, तो उनके कहने के अनुसार हमारे बच्चे लोग स्कूल जाएं और पढ़े लिखे, शिक्षित बनाए। मंदिर में मत जाइए, मंदिर में जाएंगे भिखारी होंगे, स्कूल में जाएंगे हमारे बच्चे अधिकारी होंगे। जिस तरीके से जो है पूरे आज क्षेत्र में हाहाकार है कि आप लोग जो है यहाँ पे कहते हैं, एक तरीके से जो है यहाँ पे भ्रामक ये फैला रहे हैं कि आप लोग जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति रख के ये साबित करना चाहते हैं कि आज जो है मंदिर मस्जिद में जो लोग जा रहे हैं वो अन्यथा जो है इससे वंचित हो जाएंगे, आप लोग जो है इसका जो है बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? ना, हम किसी के भड़काई नहीं रहा है, जे के अच्छा लगे वो मंदिर जाए, मस्जिद जाए, दुर्गा पूजे, काली पूजे, हमसे उनसे मतलब नहीं है। लेकिन जे के अच्छा मिला हो, चाहे कोल हो, चमार हो, यही हो, गड़ेरिया हो, पासी हो, कोल दैकार हो, कोई भी बिरादर हो, अगर जेके भीमराव अंबेडकर के वजह से आज़ादी मिली, चले फिरे पढ़े लिखे बोले हर एक चीज के, अगर वो माना चाहते हो तो भीमराव अंबेडकर के माने, और न माना चाहते हो तो कोई जबरी नहीं है। नौ दिन जो है माँ के जयकारे लगते हैं, दसवें दिन विसर्जन का वो होता है, मूर्ति होता है। हाँ। और वहाँ पे जो है नदियों में जो है तालाबों में मूर्ति विसर्जन करते हैं, इससे क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हम भी देवी माँ के पर साल पूजा करे थे, रखे थे, लेकिन ले गए वहाँ नदी में बहा दिया गया, अब फिर कह दिया गया, जैसे सब लोग कहते रहे भाई, कोई जानकारी ही नहीं थी। तो हम लोग भी कहा कि देवी माँ पर साल फिर आना, लेकिन जो मर गया सो मर गया, वो लौट के आया ही नहीं, पैसा भी डूब गया हमारा लोग का। देवी माँ तो अमर है, देवी माँ को तो हमेशा जो है लोग मानते हैं। ना, देवी माँ अमर नहीं है, देवी चाहे जितना देवी देवता हो, जितनी पत्थर की मूर्त हो, इंसान ने बनाया है। देवी माँ शंकर भगवान भोले किसी इंसान को नहीं बनाया है, इंसान ने देवी माँ को बनाया, इसलिए कि पैदा भाए देवी कौन देवी हो, शंकर गणेश क्यों भी हो, कपड़ा ओढ़ना पहिर के आई हैं तो कई पहिर के पैदा भर हैं, पहिर के ना ही पैदा भर हैं। इंसान ने कपड़ा पहिराया, इंसान ने गहना पहिराया, इंसान ने गदा थमाया, इंसान ने उनके धनुष बाण त्रिशूल थमाया, त्रिशूल धनुष बाण किस लिए थमाया, देवी देवतों के हाथे में धनुष बाण त्रिशूल गणासा तलवार नहीं होना चाहिए। अगर त्रिशूल गणास धनुष बाण है तो वो देवी देवता नहीं है, इसलिए कि देवी देवता वो हैं कि जिसमें हाथ में कोई औजार नहीं है, वो देवी देवता हैं, और जिसमें हाथ में तलवार गणा त्रिशूल बल्ला भरचम है, ये देवी देवता न हो, इसलिए हमारे समाज के लोग समझते ही नहीं हैं। इसलिए कि जितना देवी देवता है त्रिशूल गणा से लिए हैं कि हमारे पुरपुजों को पहले मारा था, इसलिए आज हम लोगों को उस ढोंग में फंसाई दिया गया कि उनकी हम लोग पूजा कर रहे थे, नहीं जानकारी थी। अब भीमराव अंबेडकर की वजह से जानकारी होगी, हम उनको कोई फायदा नहीं मिला, तो हम लोग भीमराव अंबेडकर के माने लागे, इनके कहे के अनुसार चले लागे, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम लोग अपन गोरु माल जो कुछ रखे है अपन उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके फायदा ले रहे हैं। पहले ये हम लोगों का करें नहीं मिलता रहा, गोरु माल रखे के लिए अधिकार ही नहीं मिलता रहा कि हमार गोरुआरी करे के, बहुत गोरुआरी करे है। तो आज जो आज़ादी मिली है भीमराव अंबेडकर को, जैसे आज़ादी मिली है, हम दूसरे के सेवा नहीं करेंगे, हमारा यही उपदेश है। भीमराव अंबेडकर साहब जिंदाबाद। अपना परिचय बता दी। नचकऊ चौधरी, मतलब चमार है हम लोग, शुद्ध चमार है, दूसरा कोई नहीं है। ना, हम माँ को नहीं मानते, हम पिता को मानते, हमारे पिता हैं भीमराव अंबेडकर, हाँ उन्हीं को मानते हैं, हाँ उन्हीं को पूजा करेंगे।
संत रविदास जिंदाबाद, बुद्ध भगवान जिंदाबाद, बुद्ध भगवान जिंदाबाद, संत रविदास जिंदाबाद, संत रविदास जिंदाबाद, बाबा साहब।